हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंजीनियर्स कुकिंग और मैं हूं आपका दोस्त विनीत कुमार। तो आज के वीडियो में आपके लिए बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही हेल्दी ब्रेड से मैं एक मिठाई रेडी कर रहा हूं और ये वीडियो आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। ये मिठाई मैंने खुद क्रिएट की है, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ वीडियो को ज़रूर देखिए, एंड तक देखिए। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए ब्रेड की सुंदर और स्वादिष्ट मिठाई बनाना स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो मिठाई बनने वाली है इसमें मैं 7 से 8 ब्रेड यूज करूँगा। तो मैं ब्रेड को सबसे पहले पीस के इसका पाउडर रेडी करूँगा। तो ब्रेड को पीस के मैंने पाउडर रेडी कर लिया है। इसमें चाहें तो आप वाइट ब्रेड भी यूज कर सकते हैं या ब्राउन ब्रेड यूज कर सकते हैं। तो इसके बाद एक पैन को गैस पर चढ़ाएंगे और पैन में यहाँ पर मैं 4 चम्मच के लगभग देसी घी ऐड करूँगा। ऑयल यूज नहीं करना है इस मिठाई में और घी को हल्का सा गर्म कर लेंगे। इसके बाद इसमें हम अपना ब्रेड का जो हमने पाउडर रेडी किया था ब्रेड का पाउडर ऐड करेंगे। तो ब्रेड को फ्राई करने का ये दूसरा तरीका है जिसमें आपके घी की क्वांटिटी काफ़ी कम लगने वाली है। आप ब्रेड को पहले फ्राई करके भी पीस के पाउडर रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ब्रेड को आपको क्रंची होने तक फ्राई करना है, तो उसके लिए आपको गैस के फ्लेम को लो रखना है और इसको लगातार चलाते हुए फ्राई करना पड़ेगा। तो 4 से 5 मिनट में हमारी जो ब्रेड है आप देख सकते हैं बिल्कुल फ्राई हो चुकी है और ये काफ़ी क्रंची भी हो गई है। तो ब्रेड को निकाल के एक प्लेट में ठंडा होने के लिए रख लेते हैं। तो पैन को दोबारा गैस पर चढ़ा लेंगे और इसमें ऐड करेंगे 1 कप मिल्क। तो जैसे ही हमारे दूध में उबाल आएगा इसमें हम 1 कप चीनी ऐड करेंगे। तो चीनी को हम मेल्ट करेंगे। तो हमारी जो चीनी है वो अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है। अब इसके बाद इसमें हम इलायची पाउडर ऐड करेंगे और यहाँ पर 1 कप के अलावा मिल्क पाउडर यूज करेंगे। मिल्क पाउडर को आपको एक साथ ऐड नहीं करना है, आपको 2-2 चम्मच मिल्क पाउडर ऐड करना है और इसको लगातार आपको चलाते रहना है। 2 चम्मच ऐड करने के बाद जब मिल्क पाउडर आपका अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तो अगले 2 चम्मच हम ऐड करेंगे। हमारा जो मिल्क है वो काफ़ी गाढ़ा हो गया है। इसके बाद अब हम अपनी ब्रेड ऐड करेंगे। तो ब्रेड ऐड करते ही आप देख सकते हैं हमारा जो मिल्क था बिल्कुल गाढ़ा हो गया है। और अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि आपको इसको फ्राई करना है लगातार चलाते हुए। और इस मिठाई का वीडियो आपको पूरे YouTube पे नहीं मिलेगा, ये मैंने खुद क्रिएट की है। यदि आपको इस तरीके का कोई वीडियो YouTube पर मिलता है तो प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। और मिठाई को जमाने के लिए यहाँ पर मैं एक थाली लूँगा और अपनी मिठाई थाली में ऐड कर दूँगा। यदि आप थोड़ी देर के लिए भी इसको छोड़ेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो मिठाई है वो पैन में जल जाएगी और इसकी एक लेयर बना देंगे हम। तो थाली में मैंने एक पूरी लेयर बना दी है। इसके बाद यहाँ पर हम इस पे यूज करेंगे बादाम। तो बादाम को मैंने बिल्कुल बारीक काट लिया है। यदि आप चाहें तो और भी ड्राई फ्रूट्स यूज कर सकते हैं इसमें, काजू, पिस्ता, नारियल पाउडर। इसको ऊपर से हल्का हल्का हम दबा देंगे और मिठाई को अब
ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी जो ब्रेड की मिठाई थी वो ठंडी हो गई है, और ठंडी होने के बाद मैंने इसमें कट लगा दिए हैं। तो चलिए अब इसको निकाल के देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी जो ब्रेड की मिठाई है वो बनके रेडी हो गई है, और आप देख सकते हैं, मैं आपको तोड़ के दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा ब्रेड की बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही हेल्दी मिठाई का वीडियो। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा प्लीज़। ये रिक्वेस्ट है मेरी अपने सभी भाइयों से, अपनी बहनों से, जो लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं, कि प्लीज़ वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पर इस तरीके के वीडियो आते रहते हैं, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलता हूँ मैं आपसे। थैंक यू।